जीवन में दो लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सर्वप्रथम वे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जिनकी छाया में हमारा जीवन संवरता है, जो निस्वार्थ भावना की मूर्त होते हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता की, हमारे माता पिता की। और दूसरे है वो जो समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। गुरु ब्रह्मा, गुरु पिता और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है, लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं? चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ, जहाँ एक गुरु अपने मन की बात हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार उनकी शरारतों पे चिल्लाकर आप उन पर हाथ भी उठा लेते हैं, तो जरा सोचिएगा कि कैसे एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को संभालता है। आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और जब आपका बच्चा आपके पास आता है तो आप उसे डांटकर भगा देते हैं, जाओ भागो पढ़ाई करो। तो जरा मन को शांत रखे, सोचिएगा कि कैसे एक शिक्षक अलग अलग बुद्धि वाले और अलग अलग अरुचि वाले बच्चों को 45 मिनट तक अपनी कक्षा में एक सूत्र में बांध के रखता है। आपका बच्चा दिन भर गेम्स खेलता है, पढ़ता नहीं है और इसकी भी शिकायत आप किससे करते हैं? शिक्षक से। क्या करें, हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता, जरा डराइए इसे। अरे भाई, बच्चे को डराना है तो किसी बाप के सामने ले जाइए। आप गुरु ब्रह्मा टाइप की बातें करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स भगवान तो छोड़िए शिक्षक को इंसान तक नहीं मानते। वे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि एक शिक्षक का भी व्यक्तिगत जीवन होता है, उसकी भी भावनाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं। आपका बच्चा, वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के नजारे कितने चक्कर काटे हैं, अगर एक ही चीज को तीन या चार बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य से बताता है कि भाई 3+1 और 1+2 बराबर होते हैं, भले ही वो एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को समर्पित एवं सभी माननीय अभिभावकों को चिंतन करने हेतु प्रेषित हूं। धन्यवाद। हमने इस लक्ष्मीनाथिका के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि विद्यार्थी जीवन में माता पिता और गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थी जीवन के सफल संतुलन हेतु जीवन रूपी तराजू के एक पलड़े में माता पिता हैं तो दूसरे में गुरु। इसीलिए प्रत्येक बालक के उज्जवल भविष्य हेतु गुरु और माता पिता का योगदान आवश्यक है।
request Father to please come and share your message with us. Sister K.C. Mohammed, the principal of this institute, all the teachers present over here, Sabi, parents, आप सबका सबसे पहले टीचर्स को मैंने स्वागत किया। तो मैं सोच रहा था कि मैं आज इस विषय पर बात करूँ, तो आपके सामने ये जो टॉपिक रखा गया है ये बहुत ही रिलेवेंट है। कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि आप उसके ऊपर थोड़ा मनन कर सकें, विचार कर सकें। सबसे पहली बात ये है कि आपने कभी सोचा है कि क्लास में 20 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, कभी कभी 100 भी होते हैं, उसमें से एक भी बच्चा जो है वो क्लास में होने पर बनता है, क्लास में फर्स्ट पोजिशन देता है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बैक बेंचर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि नालायक हैं, पढ़ते नहीं हैं, कमजोर हो जाते हैं, या प्रमोट किया जाता है, या फिर वो तरकीब करते हैं क्लास में। तो कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि ये बच्चे तो कमजोर क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे बच्चों की गलती नहीं है, हर एक बच्चे को प्रभु ने भगवान ने दिमाग दिया है और हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, ये में कोई भी भूल नहीं है और कोई भी ये नहीं चाहता है कि मेरी कोई भूल है। और इसके पीछे कारण ये है हमारी अलग अलग प्रकार की बैकग्राउंड। एक बच्चा है जब वो स्कूल में आता है, आ गया स्कूल में तो उसने क्या किया, क्लास में टीचर ने पढ़ाया और बैग लेकर आया और घर में चला गया। उसने क्या किया, डायरी खोली, पढ़ाई की और उसकी रिवाइज की, पेरेंट्स उसके साथ में बैठ गए, उनको मैथ पढ़ाया, साइंस पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई। और उसके बाद क्या हो जाता है, वो बच्चा स्कूल में आता है, मैडम से क्वेश्चन पूछती है, बच्चा फटाफट क्या करता है, जवाब देता है। तो बच्चा क्या है, उसको समझ में आया, स्कूल में जो 45 मिनट मैडम जो बता रहे थे पढ़ा, फिर उसके बाद उसने रिवाइज किया, वो बच्चा क्या हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है। अब दूसरे तरीके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो घर में जाते हैं बैग लेकर आए, बैग जैसे भंगदार वैसा ही रखा और दूसरे दिन वैसा ही उठाकर लेकर आए, पेरेंट्स उसका ख्याल नहीं रखते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसकी एक्स्ट्रा ट्यूशन पूछते नहीं है, तो वो बच्चा क्या है, परवाह नहीं करता, क्योंकि हम दोस्त लगाते हैं, मैडम की गलती है, हाँ बच्चा पढ़ता नहीं है, और उसको बोल दिया कि पढ़ो, लेकिन वो क्या कर रहा है, हमें जरूरत है उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने की, हमें जरूरत है उसकी तैयारी करने की, हमें जरूरत है पेरेंट्स के साथ मिलने की, टीचर के साथ मिलने की, टीचर ने क्या पढ़ाया, बच्चा कहाँ पर कमजोर है। और मेरा विश्वास है कि जब आपका सहयोग बच्चे के साथ होगा तो आपका बच्चा जो कमजोर है वो क्या है, इंटेलिजेंट हो जाएगा, विश्वास करते हैं। और दूसरी बात जो है मैडम मुझे अच्छे ढंग से बता रही थी कि देखिए पनिशमेंट, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ की पनिशमेंट बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी, आप भी जानते हैं, मुर्गा बनाया जाता था, मानते हैं जो मेरी मुर्गी है, मुर्गा बनाया जाता था, फिर उनके लड़कियों को एक काम कर दो हाथ खड़े किए जाते थे, है ना, वो प्रिंसिपल जो है पूरी तरह से मार, और हमारे लिए इतनी हिम्मत हुआ न्यूट्री वोटी करने जाकर क्या है, पेरेंट्स को बता दें, कभी पता था कि पेरेंट्स बोलेंगे कि वो तो जाएगा, ये था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बहुत केस आए जहाँ पर बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं, कैंसर ले जाते हैं, कोई और दिमाग में उनके ख्याल आ जाता है, जहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है हम जो पहले पनिशमेंट दिया करते हैं जिनको प्रॉपर पनिशमेंट कहते हैं, आज के समय में वो पनिशमेंट हम नहीं दे सकते। लेकिन ये नहीं मतलब है कि हमें पनिशमेंट बच्चों को नहीं देनी। देखिए आज जब हम न्यूज सुनते हैं तो पनिशमेंट जो है प्रधानमंत्री उसको तो मिल रही है, कैप्टन इस तरह को मिल रही है, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू आज नहीं नाम बोला जाए आज जेल में है, क्योंकि पनिशमेंट है कि जो गलती करता है उसको एक रूम वो सजा नहीं है बल्कि सजा इसलिए है कि उसकी इम्प्रूवमेंट हो, कोई भी गलती नहीं करता, लेकिन जब हम किसी को थोड़ा सा पनिशमेंट करते हैं तो हमारे मन में यही ख्याल होता है कि गलती की क्या हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए, उसका क्या है उसमें सुधार आ जाए। तो
किसी को मारना या किसी को ये करना, तो जेल में जाने जब कोई जेल में जाते हैं उसके मतलब नहीं है कि उसको सजा मिली है। जेल में किसी को एक साल के लिए रखा, किसी को उम्र काल के लिए रखा, किसी को कुछ समय के लिए, सिर्फ इसलिए इम्प्रूवमेंट हो। हमें पनिशमेंट देनी है बच्चों, शायद आप डंडे से ना मिले लेकिन कोई और तरीका अपनाओ, उसका टीवी बंद कर दो, उसे फोन दे दो, उसको बोला हो डिग्री लेकर जाना आते हुए, तो इस छोटी 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 पनिशमेंट के कारण बच्चा तो नहीं समझेगा लेकिन उसका क्या है फ्यूचर बन जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि हमारे दिन थोड़े ही बाकी और भी बहुत सारे हैं, बाकी करने के लिए पूरा दिन है। इनके दो पॉइंट्स मैं रखूँगा, तैयारी तो बहुत की है, मैं बाकी टीचर्स जो हैं वो भी आएंगे, है ना। देखिए जो बंदा यहाँ पर खड़ा होता है उसके मन में बड़े ही ख्याल आते हैं, बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ बोल रहे हैं, शायद पीछे वाले बोल रहे हैं यार पता नहीं कब बंद करेगा ये, है ना। तो ये ख्याल रखिए जो यहाँ पर आए वो पॉइंट टू पॉइंट ही बोल रहे हैं, है ना। जब आप बात करते हैं तो जब पॉइंट टू पॉइंट ही बात करें क्योंकि जब आप बातें करते हैं थोड़ा कुछ ऐसा निकल जाता है बाद में क्या है वो मुसीबत बन जाती है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी पूछेंगे एक दूसरे से, क्वेश्चन भी पूछेंगे तो पीछे जो लेकर आश्रम का टीचर आएगा आप उसके बाद क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग तैयार हैं आपके हर प्रकार के आंसर देने के लिए। इसी विषय के साथ मैं सचिवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो टीचर बड़े अच्छे ढंग से एमसी कर रहे हैं और यहाँ पर प्रोग्राम किया उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जैसे आपकी मीटिंग रखा गया प्रोग्राम रखा है आप भविष्य में ऐसे ही हम लगातार रखते रहेंगे और उसमें हमारा मकसद यही होगा जैसे भी हम लोग कर सकते हैं। आपको मैडम द्वारा और हमारे मैनेजर द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई जो कि आपके बच्चे के बेटरमेंट के लिए हैं, आपके बच्चों के सुधार के लिए हैं। तो मेरे हिस्से में हंसी प्रद के बारे में चंद बातें रखने का मुझे अवसर दिया गया है और समय भी बिल्कुल थोड़ा सा दिया गया है, बातें तो बहुत सारी है लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में दो चार बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं छोटी सी सोच के साथ आपको ये बात बताऊंगा कि आज के बच्चे में और प्राचीन के बच्चे में बिहेवियर में, करेक्टर में और डिसिप्लिन में, अनुशासन में कितना अंतर है। एक समय की बात है कि एक आश्रम में चंद बच्चे विद्या ग्रहण करते थे गुरु जी से, उस समय बहुत ज्यादा सब डिसिप्लिन होता हुआ करता था मगर आज के बच्चे में वो बात नहीं है। गुरु जी रात के समय सोए थे, बच्चे भी सोए थे, नदी में बाढ़ आ गई, बारिश शुरू हो गई और उनकी झोपड़ी जो थी वो एक नदी के किनारे में थी, जहाँ उनका आश्रम था घासपूस की झोपड़ी थी, पानी का भाव जो था पास में नाला था वो झोपड़ी की ओर मुड़ गया। रात के समय हजारा आवाज आने लगी, इतना पानी झोपड़ी की ओर आने लगा है। तो गुरु जी की आंखें उन्होंने देखा कि पानी जो है वो आश्रम की ओर आ रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा जाओ बच्चों देखो पानी के बहाव को उसकी ओर मोड़ दो। बच्चे भाई तत्परता से बाहर आ गए और पानी के बहाव को देखा लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि बच्चे उसको मोड़ने में असमर्थ थे। जब बच्चों की कोई बात नहीं चली तो उन्होंने मन में आइडिया बनाया कि पानी के बहाव को कैसे रोका जाए। उसके बाद दो बजे की आंख लगे वो सो गए। बच्चों ने हर संभव कोशिश की कि पानी को रोका जाए लेकिन बच्चे असमर्थ थे। पानी के बहाव को अपने शरीर से रोक के रखा है और अपने आश्रम को बचाया। गुरु जी उस समय देखे गदगद हो गए, खुश हो गए और आशीर्वाद दिया। ऐसे भी किसी समय में अनुशासन होता था किसी ग्रंथ होता था। आज के बच्चे में ये चीज बहुत ज्यादा आ गई।
ठीक है, बच्चा आयुष हो गया है, मन कर अभी मैं खान पी आऊंगा, 10 बजे स्कूल की जरूर खाऊंगे। तो मुझे हर क्लास में जाना पड़ता है और मुझे चेक करना पड़ता है, कोई बच्चा फुल स्क्रीन लगा के आया है, कोई बच्चा शो नहीं स्कूल वाले लगाएगा, अभी तो ड्रेस नहीं लगाए थे। इसके बाद आप देखते होंगे बहुत ही आत्म व्यस्त बात करवा के मुझे स्कूल में आते थे। क्लास में हर दो चार बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं मान रहे, हमारे पास स्कूल की डायरी है, मैंने उसको रोजगार रिकॉर्ड भी रखा है, बच्चा फिर भी नहीं मानता है। तो प्रिंसिपल से अभी आदेश मिला है कि एक बार नहीं मानता तो उसके बाद नहीं मानता, इसके बाद आपको सीधे ऑफिस में ले किया जाओ, आई विल कॉल द पेरेंट्स और उससे भी आप लोगों से बात करते होंगे। तो आपको ये मैं इन्फॉर्म करूँगा और आपसे भी उम्मीद रखूंगा कि आपका फुल कोऑपरेशन हमें मिलेगा, ताकि हम इस स्कूल को सुचारू रूप से चला पाएंगे, प्रिंसिपल को सुचारू रूप से चला पाएंगे। और जो पी एच डी सेशन के बच्चे हैं, कोई मशरूम कट करवा के आता है, कोई आड़े टेढ़े बाल करवा के आता है, सो दीज आर स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू द स्कूल एंड इट विल नॉट गो इन द स्कूल। वेरी सिंपल, बच्चों को ये बताओ कि हमें साधारण रूप से जीना है, और वो चीज सोच रखनी है, इसी तरह पे हमने बच्चों को स्कूल में भेजा। मैं सभी माताओं से बहनों से विनती करूंगा, बच्चों के हेयर स्टाइल को सिंपल रखें। साथ में जो बच्चे टाइम वेल निकाल के नहीं आते हैं, स्पेशली सीनियर्स जो 8th 7th वाले बच्चे 9th 10th के हैं, इसकी बैठने में किसी टाइम नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। यूनिफॉर्म का मतलब आपको सबको पता है, आप लोग भी यूनिफॉर्म पहनते स्कूल गए होंगे, इसका सही अर्थ क्या होता है यूनिफॉर्म का, एक यूनिटी दिखाना, शुड बी लुक सिमिलर, सारे बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए, क्या मेल है ग्रीन है मिडिल है हाई है, जिससे भी प्रोफाइल का बच्चा है शुड बी लुक सिमिलर। तो यूनिफॉर्म का यही मतलब है, सिमिलर का यही मतलब है। तो मेरी सबसे ज्यादा पेरेंट्स की यही उम्मीद रहेगी, एक बार करते हैं हमारे साथ कोऑपरेट करें। अब आगे को ड्रेस ड्रेस की सारी डिवाइड रही है, सारी ड्रेस आपको गेम के प्रति आपको पता है कौन से दिन में कौन सी लगा रही है, कृपा करके आप इस बात का ध्यान रखें। इसी वजह से बच्चा नहीं भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर दिन ऐसा ही बदल जाएगा, एक बदलाव बोल। तो मैं लास्ट में आपको यही बात कहूंगा कि डिसिप्लिन का पूरा ध्यान रखें, अगर जिस स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होगा उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। जब तक बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहेगा पढ़ेगा नहीं, डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप देखा होगा आज के बच्चे और हमारे समय के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, बिहेवियर का कितनी चेंज। अगर आप बच्चे को बोलोगे आप गलती कर रहे हो चुपचाप बैठ जाओ, हमारे समय में ऐसी किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होती थी कि हम किसी गुरु के सामने अपना मुंह खोलते सर में नहीं आ गया, पर आज का बच्चा हमें जवाब देता है स्कूल के अंदर। हमें अपने समय जान रखते होंगे कि अगर हम ऐसे स्कूल में होते तो हमारा क्या होता। और मैं आपको ये बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास मौका है, प्लीज अपने अपने बच्चों को सिंपल सिटी में उतारने की कोशिश करें, डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करें। मेरा वक्त इंदाबाद की मेरा वक्त स्कूल एट होम कहीं भी है फंक्शन में है, उनको यही बात समझाओ कि आपने अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखो। हमारे स्कूल के बच्चों में इतना ज्यादा टैलेंट है कि उसको थोड़ी सी काशी की जरूरत है, थोड़ा सा उसको कल्टीवेट करने की जरूरत है। जैसे किसी ने तो खूबसूरत लाइनें कही है, जंगल जंगल मेंढकों के उस भूमि को बहुत ही मुश्किल है यह सफर तय करना, खुद से खुद की दूरी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.
बच्चे को बीच में मेरे को लेना ही क्योंकि टीचर्स को भी बहुत अटेंशन आता है इसलिए बच्चे को बीच में रहना है वो भी चेक करना है बच्चे को रिसीव के बारे में देखना है हम वैसे नहीं फ्री में नहीं बैठ सकते इसलिए मेरा टाइम होगा 1 to 2 PM मॉर्निंग 9 to 10 तो उस समय पर आप लोग कोई सर्टिफिकेट को साइन करना कोई साइन सर्टिफिकेट लेना कुछ नहीं आएगा एयरोप्लेन से एकदम से आएगा रिसेप्शन बोलेगा जल्दी साइन करना सिस्टर उधर में और नहीं है कोई बात नहीं एयरोप्लेन पे से आएगा हेलीकॉप्टर पे से वापस ले आएगा ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है आप लोग का सहयोग ऑपरेशन बहुत बहुत समझे हरिये बच्चों को प्रेरित की हरिये बच्चों सो प्लीज स्टे द गाइड इफ यू आर इन एमरजेंसी आई एम कॉलिंग टू पेरेंट्स बी टू स्टूडेंट्स ऑब्लिगेटेड टू स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को जो टाइम मैंने आप लोगों को दे उस समय पर नहीं होगा इससे भी 20 समय पर मैंने आप लोगों को नहीं मिलेगा जो कॉम्प्लिकेटेड हैं कोई प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिसिप्लिन में है कुछ भी ऐसे वाले पेरेंट्स को मैं स्पेशल बुला रहे उसको मैंने अगले टाइम पर मिलता जिस टाइम पर मैं आप लोगों को दे रहे वो समय प्लीज कोशिश कर लीजिए कर लीजिए आगे के ठीक है सर्टिफिकेट आप लोग ये टाइम ठीक है ना 9 to 10 एंड 1 to 2 ये समय ठीक है ना वो क्या भी है ना एक दिन नहीं लेकर जो नहीं मिली जो गोभी तो फर्स्ट भी ये रहता है तो जैसे भी नहीं मिलता ओके तो सारी चीज़ के बारे में हो ना साइन करने के बारे में एकदम से करा के तो सब लोग ऐसे गुस्सा कर रहे हैं आप लोग ये थोड़ा सा काम कर रहे हैं हमारे लिए जैसे फिर से जो भी ऑफिस में लगे तो भी टीचर्स को भी जो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो सुबह से शाम तक हम बैठे ये सारे को करने के बाद बस सिर्फ ये ही मिलता है तो हमारे लिए आप लोग तो बच्चे के लिए मतलब आप लोग तो बच्चे हमारे भी बच्चे आज का बच्चा स्टार्ट करने के लिए मैं अब तक रखना भी चाहिए इसलिए हमने आज का प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ सहयोग करना डिसिप्लिन के बारे में ऑनली बोला डिसिप्लिन कार्य से बहुत अच्छी तरह समझाए स्टोरी के द्वारा डिसिप्लिन के बारे में समझोगे ना एक बार गवर्नमेंट ने रूल दी फिर आप लोग का और कुछ मैंने टाइम बच्चे को कितने के टाइम आप लोग का टाइम मेरा टाइम मेरे टाइम के बारे में बोलने के लिए मैंने इस समय पर दिया और कुछ मत जाना है Send your news offer. Anybody raising any kind of problem or hand problem, then please raise your hand and I will share with you.